हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका कंसेप्ट तो हमने कर लिया है, न्यूमेरिकल्स हमने मतलब हम कर रहे हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊँगा कि एग्जैक्टली जो है हम इस चैप्टर में मेनली डायमेंशन और एरर वाली पार्ट में से हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करते हैं, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, पर मेनली हमारा डायमेंशन और एरर वाले के ऊपर बेस ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि भाई आप वीडियो को पॉज करके और इसको ट्राई कर सकते हो, और अगर कर लिया हो तो इसके बाद हम शुरू कर देते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ओके, तो आपको समझ गया होगा कि भाई कौन से इनडायरेक्ट मेजरमेंट वाले पार्ट से है ये। तो मून को ऑब्जर्व किया गया है, सपोज दिस इज मून, इसको ऑब्जर्व किया गया है अर्थ के डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट से, यानी यहाँ से और यहाँ से इसे ऑब्जर्व किया गया। ओके, और ऑब्वियसली दिस विल बिकम द डायमीटर ऑफ अर्थ, जिसको सपोज हमने कैपिटल डी ले लिया। ओके, हम बेसिस लेते हैं वैसे इसको, बस ठीक है, कैपिटल डी ले लिया हमने। द एंगल सबटेंडेड एट मून बाय द डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 degree 54 minute, यानी ये दो डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो मून की तरफ जो एंगल बना, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 1 degree 54 minute। ओके, अब क्या बोला गया है, डायमीटर ऑफ अर्थ भी दिया है, मतलब बेसिकली हमको ये वाली वैल्यू भी दी है, 1.276 × 10⁻¹⁷ मीटर, राइट। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, यानी ये जो है लेट दैट बी कॉल्ड स्मॉल डी, ये हमको यहाँ पर निकालना है। अब जो इस यहाँ पर हमारा नॉर्मल टेक्निक है वही लगा दो सीधे, कि भाई इसको हम ऑलमोस्ट एक बड़ा वाला सर्कल ही तो अज्यूम करते हैं इस, तो अगर ऐसा हमने अज्यूम किया तो ये जो है उसका ऑलमोस्ट एक आर्क बन जाता है। इन दैट केस सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, अगर लॉजिक पता हो इसकी, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ऑलमोस्ट इस लाइन को, इसको हम ऑलमोस्ट एक आर्क ही मानते हैं। ओके, तो इन दैट केस हमको यहाँ पर क्या निकालना है, स्मॉल डी निकालना है, इसको इधर ले लो, थीटा को यहाँ ले लो, डी इज इक्वल टू डी कैपिटल डी अपॉन थीटा। अब कैपिटल डी हमको दिया है डायरेक्टली मीटर में तो हम पुट कर लेंगे, पर थीटा हमको यहाँ पर जो SI यूनिट है उस फॉर्म में नहीं दिया, मतलब हमको यहाँ पर रेडियन में वैसे इसको कन्वर्ट करना होता है। तो पहले तो इसको हम क्या करते हैं, सबको डिग्री में कर लेते हैं। तो यहाँ 1 degree तो है ही, साथ में 54 minute है, 54/60 करोगे तो वो डिग्री में आ जाता है, तो ये जो भी आएगा उसको 1 से ऐड कर देना, तो दैट विल बी कम्प्लीटली 1 point something degree आ जाएगा। ओके, मतलब हमने क्या किया, 54 minute को डिवाइड बाय 60 किया तो वो 0 point something degree आएगा, उसको 1 degree से ऐड कर दिया, बिकॉज 1 degree 54 minute है, और देयरफॉर ये 1 point something degree आ जाएगा, और जिसको हमको रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर देंगे। ओके, सो दैट विल बी योर फाइनल थीटा, और उस थीटा को फिर यहाँ पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी, स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है इसका आंसर, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा या फिर मिल गया होगा तो मैं यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए आंसर जो है आपको दे दूँगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 joule per minute ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 gram 100 centimeter एंड 1 meter एज अ बेस यूनिट। तो यानी कि हमको 60 joule per minute को एक ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है जिसका बेसिक यूनिट ही 100 gram हो, 100 centimeter हो और 1 minute हो। तो यानी कि अब पहले तो ये समझ लो कि भाई 60 joule per minute यानी क्या, 60 joule इसको हम SI में कर लेते हैं, तो जूल तो ठीक है, पर मिनट क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो 60 joule per minute यानी मैं लिखता हूँ 60 joule per 60 second, क्योंकि एक मिनट में 60 seconds, अब ये कम्प्लीटली SI सिस्टम में हो गया, तो यानी ये कितना हो गया, दिस इज 1 joule per second ना, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया,
और जूल पर सेकंड क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम इज अ वैट, मतलब वैट हो गया वो, तो बेसिकली वन वैट किसका यूनिट है, पावर का। तो ये हमने देख लिया कि भाई ये तो पावर का SI यूनिट है, दिस इज नथिंग बट SI यूनिट ऑफ पावर। और पावर का डायमेंशन क्या होता, डायमेंशन ऑफ पावर इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि M1 L1 T माइनस 2 ये होता है फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे यानी L2 हो जाएगा, तो ये हो गया वर्क का। अपॉन टाइम मतलब नीचे एक और T आएगा, ऊपर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी माइनस 2 माइनस 1 दिस विल बी माइनस 3। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर का जो डायमेंशन है। ओके, तो अब इस वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसके लिए जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है वो वाला डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। दैट इज़ हमको निकालना है कि भाई वन वैट इज इक्वल टू डैश यूनिट, है ना, नए सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। तो बस हम ये जो N2 है बेसिकली वो निकालना, दिस इज़ योर N1, ये हो गया U1, यहाँ पर N2 एंड दिस इज़ U2, राइट। अगर आपने वो बेसिक वाले वीडियोस नहीं देखे हैं कंसेप्ट वाले तो वो ज़रूर देख लीजिए, उसमें हमने ये सब कर लिया है। सो इसमें हमको सीधे N2 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 इंटू M1 बाय M2 रेज टू A, फिर L1 बाय L2 रेज टू B और T1 बाय T2 रेज टू C। ओके, तो यहाँ पर N1 क्या है, N1 हमारा 1 है, सो 1 इंटू M1, ऊपर वाला M1 L1 T1 जो है हमारा SI सिस्टम में रहेगा, SI सिस्टम में मास जो होता है वो kg में होता है, दिस इज़ 1 kg, ठीक है, पहले मैं वही लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर SI सिस्टम में लेंथ होता है मीटर में, सो दिस इज़ 1 meter, एंड हेयर टाइम जो होता है सेकेंड में, 1 second। और ABC यानी जो यहाँ पर हमको डायमेंशन के पावर मिले हैं, यानी कि क्या, 1, 2 और -3, सो दिस इज रेज टू 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा -3। ओके, नीचे M2, L2, T2 क्या लिखे हैं, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हमको इस वाले सिस्टम में करना है, तो बस वो वाली वैल्यू डाल दो, यानी 100 ग्राम दिस विल बिकम 100 सेंटीमीटर और ये है 1 मिनट। तो अब कॉमन यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लोगे, यहाँ पर मैं उसको करके दिखाता हूँ। तो दिस विल बिकम 1 kg ग्राम में कर लो, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम अपॉन नीचे कितना है 100 ग्राम, रेज टू पावर क्या है 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू 1 meter इज 100 centimeter अपॉन नीचे भी क्या है 100 centimeter, रेज टू 2, इनटू 1 second और नीचे 1 minute यानी कितना हो गया 60 second, रेज टू पावर -3, राइट। तो ये अब यहाँ से कैंसिल होगा, ग्राम कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10, इनटू यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 का पावर 2 रहेगा तो भी 1 ही आएगा, 1 raised to 2 इज़ व्हाट, 1 ही आएगा, और यहाँ पर दिस विल बी 1/60 का रेज टू -3, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 60 raised to 3, सो दैट इज 6 6 36 और 36 का इंटू 6 इज 216, सो 2160 और सो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 216 इंटू 10 raised to 3, ना ओके, मतलब 6 raised to 3 और 10 raised to 3, तो ये हो गया 216 10 raised to 3 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 216 10 raised to 4 हो गया, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2.16 इंटू 10 raised to 6। ओके, तो ये हमारा नया सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है डायमेंशनल करेक्टनेस बताना है हमको इस इक्वेशन का। सो वी हैव एन इक्वेशन, SN इज इक्वल टू U+A/2 इंटू 2N-1। यहाँ पर ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेट हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर
पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में कितना किया एग्जैक्टली, थर्ड सेकंड में कितना किया, उसके लिए ये फॉर्मूला है। मतलब मूव कर रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो टेंथ सेकंड में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो वैसे हमको यहाँ पर अभी फिलहाल हमको ये अज्यूम करना है कि हमको ये चीज़ नहीं पता, उस हिसाब से हमको यहाँ पर इसका डायमेंशनल करेक्टनेस बताना है। डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब क्या कि इसमें जितने भी टर्म है, जैसे यहाँ पर एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, सभी टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ही ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ। एस एन डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम किसी पर्टिकुलर सेकेंड का है। ओके, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का होता है एल वन, टाइम का होता है टी वन, तो बेसिकली इसका क्या हो गया, एल वन टी माइनस वन। ऐसे ही इस टर्म का देखते हैं, स्पीड है ना, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका भी क्या हो गया, एल ऊपर वन आए और नीचे है ना, मीटर पर सेकेंड एल वन और नीचे टी वन, ये ऊपर आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एल वन टी माइनस वन। ओके, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है और एन मतलब टाइम है। जैसे मान लो कि पाँचवें सेकेंड का पूछा है तो एन इक्वल टू फाइव, दसवें सेकेंड का पूछा तो एन इक्वल टू टेन। फिलहाल यहाँ पर हमको बस याद रखना है कि ये टाइम है। ओके, सो दैट दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल वन टी माइनस टू, और टू है कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ये चीज तो टाइम है, यानी इन टू टी वन, तो कितना हो जाएगा, देखो एल वन और माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन। देखो सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम आया, मतलब क्या, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस, और मतलब यहाँ पर ये डायमेंशनली जो है करेक्ट है। अगला देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमको एरर के साथ में, यानी वी प्लस डेल्टा वी दिया है, और करंट दिया है विथ एरर, यहाँ पर हमको परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना है, निकल जाएगा कोई बात नहीं। सो वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, राइट, ये चीज़ तो हमको पता है टेंथ से ही। तो वैसे हमको फॉर्मूला किसका लिखना है, आर का, तो आर क्या हो जाएगा, आई को इधर ले लो, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब हमारे पास ये डिवीजन वाला फॉर्मूला है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपोगेशन ऑफ एरर में हमने डिवीजन का पढ़ा ही है, तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एरर, एरर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। सो दैट डेल्टा आर, यानी हमको यही चीज़ निकाल, मतलब इनफैक्ट हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम उस हिसाब से लिख देते हैं डायरेक्टली। सो परसेंटेज एरर मतलब इनटू 100 करके, यानी डेल्टा आर बाय आर इनटू 100 एग्जैक्टली हमको ये निकालना है, तो राइट साइड में इनटू 100 कर दो, सो दिस विल बी प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी प्लस, सॉरी हाँ चलो ठीक है, प्लस डेल्टा आई बाय आई इनटू 100, सो दैट विल बी, हमको एग्जैक्टली यही निकालना है, परसेंटेज एरर इन आर, जो हम यहाँ लिखे हैं वो परसेंटेज एरर इन आर है। ओके, सो दैट विल बी प्लस और माइनस डेल्टा वी, यानी ये हो गया एरर इन वोल्टेज, सो दैट इज 5 अपॉन वी कितना है 100, प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2, आई कितना है 10, देखो तो यहाँ पर और इन टू 100 करना है, सो कितना हो जाएगा, ये इस वाले साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा, सो दैट विल बिकम, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/100 प्लस 2/100 इनटू 100, दैट इज प्लस माइनस 7/100 इनटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर प्लस माइनस 7% इज दैट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द रेडियस। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल किए, और ऐसा नहीं कि भाई बहुत हार्ड या मतलब बेसिकली ये काफ़ी इजी वाले हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, अभी धीरे धीरे जो है ना अपना सॉल्व एग्जांपल से स्टार्ट करो एनसीईआरटी का, और फिर आपका एक्सरसाइज से जो भी रेफरेंस बुक आपने ली है उस हिसाब से, ठीक है, पहले इजी वाले से लगाना शुरू करो और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा दो। बस इसके साथ जो है मतलब एक ही बार जंप करने की कोशिश मत करो, मेरे हिसाब से, मेरे को ये लगता है कि भाई आपको धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना चाहिए अपना। ओके, और फिर जिस लेवल तक जा सकते हो करो। थैंक यू वॉचिंग, सी यू अगेन।